मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कलबा मुमरा की विधायक जितेंद्र अभाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हिललाइन पुलिस स्टेशन में जितेंद्र अभाट के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है। सिंधी समाज पर की गई टिप्पणी के मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ये एफआईआर दर्ज हुआ है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक जितेंद्र अभाट उल्लासनगर में आने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की थी और इसी दौरान उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सिंधी समाज को लेकर गलत बयान जितेंद्र अभाट ने दिया है। इससे नाराज सिंधी समाज जितेंद्र अभाट के खिलाफ मोर्चा खोल दिए है। वही इस मामले को लेकर जितेंद्र अभाट ने कहा है कि सिंधी समाज में उस भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और मेरी बदनामी करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। मुझ पर केस बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को फ़ोन किया, यहाँ तक कि कमिश्नर तक को फ़ोन करके कहा है कि जितेंद्र अभाट पर केस बनाया जाए। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जितेंद्र अभाट ने एक वीडियो भी मीडिया को दिखाया कि ये ओरिजिनल वीडियो है, इसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पुलिस का काम था उस भाषण को एक बार चेक कर लेना, किसी के दबाव में आकर किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक हिल लाइन पुलिस स्टेशन में 153A, 153B, 295A और 298 के तहत जितेंद्र अभाट पर गुनाह भी दाखिल किया गया है। वही जितेंद्र अभाट ने कहा है कि मैंने कलबा मुमरा विधानसभा के लिए 10 करोड़ की निधि लाया था अप्रैल 2022 में, तभी मंत्रिमंडल भी विस्तार नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वो मेरा निधि खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री का दिल बड़ा होना चाहिए ना कि छोटा। पूर्व मंत्री और कलबा मुमरा के विधायक जितेंद्र अभाट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है आपको सुनाते हैं। सर, उल्लासनगर में आपके भाषण के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरी सच्चाई उसके अंदर, जिस तरीके से मीटिंग? देखो, मैंने जिस बात पे वो वीडियो वायरल हुआ है, अगर मैं वो शब्द का इस्तेमाल करता तो वहां पे पूरी मीडिया थी। वो शब्द को लेके उसी आधे घंटे में मेरा सब कुछ धो डालते हो। ये दूसरे दिन शाम को ये वीडियो निकला, वो किसने निकाला ये भी मुझे पता है, पर पुलिस ने जब ये केस ली तब उधर जो टेपिंग करने वाले मौजूद थे उनसे ओरिजिनल टेप क्यों नहीं मंगाई, क्यों नहीं ओरिजिनल टेप सुनी? ये देखो, सुनो ओरिजिनल टेप। एक शेर की शिकार करने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कहा है। सर, जिस तरीके से आपके शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश, तो अभी पुलिस ने उसकी जांच करनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में जो लोग आए थे वीडियो लेके, उन्होंने वीडियो कहां से लाया? कल हमारे इधर से थाना से कुछ नेता लोग कुदी मार मार के उल्लासनगर पहुंचे, फिर अभी हमारे सिंधी कॉलोनी में कोपरी में मीटिंग ली, मेरे नाम के ऊपर फुली मार दी। लोगों को गुमराह करके जितेंद्र अभाट को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई सामने आती है। ये तो 24 घंटे में आ गई। तुम कितने मूर्ख हो, समाज में तुम्हारी मूर्खता सामने आ गई। बड़े बड़े नेताओं का फोन है पुलिस स्टेशन में, केस रजिस्टर करो, पुलिस कमिश्नर को फोन है बड़े बड़े नेताओं के, केस रजिस्टर करो। अब क्या, मेरा सवाल है, अब क्या आपको क्या लगता है प्रोपेगंडा क्यों किया गया था आने वाले इलेक्शन को लेकर किया गया था, किस तरह? जितेंद्र अभाट को कहीं ना कहीं कभी ना कभी दबोच के रखो, उसको डरा के रखो, उधर एक केस बनाओ और सब झूठ। 356 का झूठ, वो मारामारी का केस झूठ, अभी जो चार्जशीट डाली झूठ, ऐसी ऐसी चीजें चार्जशीट में डाली है कि जो 3 साल में कभी दिखी ही नहीं। वो अब मैं नहीं बात करूंगा, वो आएगी सामने, सबके सामने आएगी कि किसने किसको कोपरी में बुला के 5 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। सब टेपिंग मेरे पास है।
ऐसा खेल अच्छा नहीं होता है, इसमें बचपना दिखता है। पुलिस बताती है ना किसका किसका फोन आया था, कौन से मंत्री ने फोन किया था, पुलिस बता देती है। सब क्या करे, प्रेशर था, इसका फोन आया था, उसका फोन आया था। मैं उन फोन करने वाले मंत्रियों को भी बोलता हूं, अरे भाई जरा इससे ऊपर आओ, व्यक्तिगत दुश्मनी से कुछ नहीं होता है। थाना में 400 करोड़ रुपए का निधि देते हैं और मेरा 10 करोड़ का निधि जो मैंने लाया था मेरी सरकार के जमाने का, वो कैंसिल करवा देते हैं। इतनी तो इनकी नीयत खराब है। मैंने कलवा मुमरा के लिए 10 करोड़ रुपए का निधि लाया था, इनके आमदारों को अभी 400 और 500 करोड़ रुपए का निधि दे रहे हैं। मेरा निधि आया था अप्रैल 22 में, जब इनका मंत्रिमंडल भी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरा खारिज कर दिया। अरे इतना कम छोटा हृदय मत करो यार, जरा दिल को बड़ा करो। ये केस करने के लिए बचपने का काम करते हो, फोन करते हो पुलिस कमिश्नर को। बचपना चालू है यार, ये राजनीति है क्या? अरे ये अभी क्या बोलेंगे, अभी ये सच्चाई सामने आया है। बोलो, अभी बोलो जाके कोपरी में, जिन्होंने मीटिंग में मेरी आमदार की का इस्तीफा मांगा था उनको पूछो सच्चाई क्या। आप आ गई सामने, अब आपका क्या कहना है?